स्क्रीन वो दिख रहा है फेस क्या? दिख रहा है इस पे अभी स्क्रीन दिख रहा है? सर पे? नो सर, नहीं दिख रहा है। सर पेज दिख रहा है वो वाला जिस पे अब सिंपल दिख रहा है? हार्मोनिक हाँ सर, अब मोशन। सही। जी सर, अब दिख रहा हाँ है अब स्क्रीन? देखा। यस सर अब देखा। चलो हाँ सर, बोल दिया करना, नहीं तो पता चला मैं लिख यस रहा सर, हूँ और तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है। जी सर। यू हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ एस एच एम यूजिंग फेजर, यूजिंग फेजर। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, एसी जब हम लोग पढ़ेंगे एसी, तो एसी में इस फेजर का, फेजर के बिना काम ही नहीं चलेगा। सर ये वही है सर, फेजर लॉ वाला मतलब। हाँ, ये जो फेजर है ना एसी में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो अगर यहाँ समझ जी जाओगे सर, तो हर जगह यूज कर पाओगे। यस सर, अब समझना जी जरा, सर, इक्वेशन में कैसे लिखूंगा। आपको पता है ना कि कोई पार्टिकल अगर एस एच एम कर रहा हो, कोई पार्टिकल एस एच एम कर रहा हो तो उसको ना आप सर्कल पे दिखा सकते हो, नहीं सर्कल पे दिखा जी सकते सर, हो। इसका जो एम्पलीट्यूड होगा एस एच एम का, उसको बोल जी सर, सकते हो इसका रेडियस। हाँ सर, सर, इसके मीन पोजीशन को कहाँ से दिखाना है? मीन पोजीशन को यहाँ पे दिखाना है, मीन जी सर, पोजीशन यहाँ पे होगा। जब बॉडी इधर जाएगा इसका मतलब होगा पार्टिकल यहाँ आया, बॉडी जब इधर जाएगा तो इसका मतलब होगा पार्टिकल यहाँ आया, बॉडी जब यहाँ आएगा तो इसका मतलब होगा पार्टिकल इधर गया है, बॉडी जब यहाँ पे आया तो इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया है ना। जी सर, तो जब भी कोई एसएचएम का क्वेश्चन आए ना, तो समझ लो कि ये हमें फेजर में चेंज कर लेना है, सर्कल में चेंज कर लेना है। इससे ना क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान हो जाती है, अदरवाइज क्वेश्चन ना एसएचएम का बहुत डिफिकल्ट आता है, नहीं कर पाएंगे या ज्यादा टाइमिंग लगेगा। तो हम एसएचएम जी की सर, इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले ध्यान रखना कि टी इक्वल्स टू जीरो पे ना हमेशा दिया जी रहेगा। सर, टी इक्वल्स टू जीरो का मतलब हुआ है, बंद करो, टी इक्वल्स टू जीरो का मतलब स्टार्ट बोला रहेगा कि बॉडी हैज स्टार्टेड। और ना एक्स की वैल्यू देगा, जैसे ए बाय टू माइनस ए बाय रूट टू ऐसा कुछ बोला रहेगा। जी सर, तो करना क्या है, हमारा एक्स यहाँ पे होगा, हमारा एक्स कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस पे। तो यस जैसे मान लो बोला कि एक्स की वैल्यू ए बाय टू है, तो समझ जाएंगे प्लस का मतलब इधर होगा, लेंथ है ए बाय टू, तो ये हो गया। यस यहां सर, से परपेंडिकुलर डाल देना, ये लेंथ पता है ए है, यहां से यहां तक का लेंथ ए बाई टू है, तो तुम बता सकते हो कि ये एंगल क्या होगा या ठीक ये एंगल क्या होगा, है। बता सकते हो? यस हाँ सर, सर, 60 तो कितना एंगल हो जाएगा अगर मिलेगा मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो अगर ये सेंटर वाला से एंगल ये सिर्फ थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा ए बाई टू बाई ए वन बाई बाई टू टू, तो कॉस थीटा जी सर, वन बाई टू का मतलब है थीटा 60। जी सर, थीटा 60 का हाँ मतलब सर, ये वाला 30 डिग्री। क्या आया ये वाला? 30 डिग्री। तो देखो 30 डिग्री कहाँ का एंगल है? 30 डिग्री टी इक्वल्स टू जीरो का एंगल है। 30 डिग्री कहाँ का एंगल है? टी इक्वल्स टू जीरो का एंगल है। इसका मतलब ना ये फाई आया, फाई का वैल्यू आया। टी जी सर, इक्वल्स टू जीरो पे जो भी हाँ एंगल सर, आए वो क्या होगा? फाई होगा। एट टी इक्वल्स टू जीरो हाँ सर, एंगल विद वर्टिकल इज फाई। जैसे ही फाई निकलेगा तो इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। इक्वेशन में हमेशा लिखेंगे
ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए हमेशा दिया रहेगा, ओमेगा हमेशा दिया रहेगा, केवल अननोन फाइ है, फाइ की वैल्यू निकाल दो और यहाँ पे रख दो। आ गया बात समझ में? यस सर। आज मैं पीडीएफ दे दूंगा, आज और कल दोनों का पीडीएफ दे दूंगा। हाँ सर। सर शाम वाली समझना सर। हाँ आज और कल दोनों वाला पीडीएफ मैं दे दूंगा जी सर। तो जरा समझना, कभी भी इक्वेशन लिखना हो एसएचएम की, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो हमें पता है जनरल फॉर्मूला ये होता है बेटा ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये भी गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ये भी गिवन रहेगा क्वेश्चन में, केवल ये रहेगा अननोन, ये अननोन रहेगा। हाँ सर। तो अननोन को अगर इवेल्युएट कर लो, कैसे इवेल्युएट करेंगे? एट टी इक्वल्स टू जीरो एंगल विद वर्टिकल इज फाइ, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके फाइ निकाल देंगे और इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे, आ जाएगा इक्वेशन। आ गया सबको समझ में? हाँ सर। यस सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, आप फेजर टेक्निक से इक्वेशन लिखेंगे, कौन से टेक्निक से? फेजर। जो से बोलो ना, खा के नहीं बैठे हो लगता है। फेजर टेक्निक से, कौन से टेक्निक से? फेजर टेक्निक से। चलो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हो, हम लोग अलग तरह से किए थे। ये मीन पोजीशन है और पार्टिकल टी इक्वल्स टू जीरो पे कहाँ है? ए बाय रूट टू पे है और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूविंग है, तो आपको बतानी है ड्रॉ फेजर डायग्राम। पहले फेजर डायग्राम केवल ड्रॉ करके बताओ, ये जो एसएचएम हो रहा है ना, इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करके बताओ, क्या होगा फेजर डायग्राम? रेशी कहाँ जा रही है छोड़ के? कहीं नहीं। हो गया ड्रॉ फेजर डायग्राम? हाँ सर। हाँ सर। क्या करें, सबसे पहले एक सर्कल लिया जी सर, और अब पता है एसएचएम तो एक्स एक्सिस के अलोंग होना है। यस और स्टार्टिंग ये वाला मीन पोजीशन है, तो देखो कहाँ लिखा है, ए बाय रूट टू प्लस में कौन सा साइन है? प्लस है, प्लस तो प्लस तो इधर ही होगा ना, प्लस जी सर। यस सर। तो ये लेंथ दिया है ए बाय रूट टू। अच्छा सोचो, ये जब लेंथ ए बाय रूट टू दिया है
तो हमें पता है कि ये वाला लेंथ तो ए होता है जी सर, रेडियस ही तो एम्पलीट्यूड होती है, तो आप बताओ ये वाला एंगल निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, यस सर, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, मान लो ये एंगल है थीटा। यह सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं केवल बोला हूँ फेजर ड्रॉ करने, तो फेजर कैसे ड्रॉ करेंगे वो समझना। ये हमारा हो गया मीन पोजीशन, फेजर ड्रॉ करना है हमें, पता ए बाय रूट टू है, ए बाय रूट टू इधर ही होगा, और ये हमारा एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डला है, यही वो पॉइंट है जहां पे पार्टिकल स्टार्ट करा है, यही वो टी इक्वल्स टू जीरो है, और बॉडी इधर जा रहा होगा। बॉडी किधर जा रहा होगा? इधर जा रहा होगा। कैसे पता चला है कि यही होगा? ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर फिर बॉडी सर ऋतिक बताएगा, ऋतिक बताएगा कि सी ही होगा, डी क्यों नहीं? सर क्योंकि सर पार्टिकल सर मतलब मेन पोजीशन की तरफ जाने लगे, इसलिए डी नहीं होगा सर। हाँ सही समझे, यही रीजन है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे है तो शैडो यहाँ बन रहा है, थोड़ा सा यहाँ चला जाएगा तो शैडो इधर आ जाएगा ना। हाँ सर, तो इससे लगेगा कि मेन पोजीशन के तरफ जा रहा है, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि मेन पोजीशन से अवे जा रहा है, तो यहाँ से पता चला कि डी नहीं हो सकता है। यहाँ से क्या पता चला कि डी नहीं हो सकता है? चलो बस यही चीजें समझना है, और जैसे ही समझ लिए तो आप इक्वेशन बहुत आसानी से लिख सकते हो। अब जैसे हमने यहाँ पे एंगल निकालना है, तो हमें पता है कि कॉस थीटा अगर लेंगे, ये वाला एंगल थीटा, तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया सर ए है यहाँ पे ए बाय रूट टू डिवाइडेड बाय ए, तो वन बाय रूट टू, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। तो अगर ये थीटा 45 आया है, पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल भी तो 45 होगा। सर, इसका मतलब टी इक्वल्स टू जीरो पे एंगल 45 है। टी इक्वल्स टू जीरो पे एंगल क्या है? 45 है, तो यही तो फाइ हो गया ना, यही तो हमारा फाइ हो गया। हाँ सर, जैसे ही फाइ निकला तो इक्वेशन बड़े आराम से लिख सकते हैं। इक्वेशन हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 45। आंसर। केवल फाई का कैलकुलेशन में कंफ्यूजन है, और फाई निकालने के लिए बार बार ये करना पड़ेगा, बार बार ये वाला करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आपको फेजर ड्रॉ करना है। फेजर ड्रॉ करनी है, क्वेश्चन में गिवन है कि मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड एक पॉइंट है, पॉइंट इज पी, और बॉडी इज मूविंग टुवर्ड द मीन पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट थ्री बाय टू ए। ये गिवन है। ड्रॉ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम आप बताओ, पहला पॉइंट ये है, ड्रॉ फेजर डायग्राम, एंड सेकेंड पॉइंट इज राइट इक्वेशन ऑफ SHM। जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो आप लिख सकेंगे इक्वेशन ऑफ SHM। Draw phasor diagram and write equation of SHM.
क्या हुआ चाहत? तबीयत ठीक? गुस्सा हो गई थी हमसे चाहत? नहीं मारे तेरे को चोट लगा था तो गुस्सा हो गई थी। मम्मा ने कहा कि यहाँ पे गुस्सा लगा तो रूस के उधर चली गई। चल झूठी करे हमको सब पता है ना टेन का। सर जैसे ही फेजर ड्रॉ करेंगे ना तो आप इक्वेशन आसानी से लिख देंगे। सर हाँ क्या है प्लस सर ओमेगा टी प्लस थ्री पाई बाई फोर प्लस पाई बाई थ्री पाई बाई फोर प्लस पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री। अच्छा ऋतिक ये बताना कल मैं क्लास लिया था तो बोला था कि यहाँ पे एंगल बनेगा जीरो डिग्री, इधर जाएंगे तो एंगल बनेगा पाई बाई टू, फिर यहाँ पे आएंगे तो पाई बनेगा, इधर जाएंगे तो थ्री पाई बाई टू थ्री पाई बाई फोर, और फिर जब इधर आएंगे तो थ्री पाई बाई टू में कुछ ऐड होगा। यस सर कुछ ऐड होगा। फोर बोल दिए सर। सर यही होगा। थ्री पाई बाई टू ही है सर। कुछ ऐड होगा सर। मैंने फोर बोल दिया था वो थ्री है। अब चलो इसी को फेजर से करते हैं। फेजर से करते हैं। फेजर बहुत आसान टेक्निक है जी सर। ये एसी में बहुत ज्यादा यूज होगा। अच्छा देखो फेजर डायग्राम के लिए सबसे पहले तो एक सर्कल होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल पे एसएचएम हमें कराना है। आपको पता है ये पॉइंट लेफ्ट साइड होगा नहीं? कहाँ होगा ये पॉइंट? कौन से क्वाड्रेंट में होगा? वन टू थ्री फोर कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड में होगा। ये सबको समझ में आ रहा होगा क्योंकि जब बॉडी इधर जाएगा तभी तो इसका शैडो इधर भागता हुआ दिखेगा। यस सर। हाँ तो फिर क्या हो गया ना, ये वाला डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये वाला डिस्टेंस दिया है रूट थ्री बाई टू ए, और हमें पता है कि ये वाला डिस्टेंस तो एम्पलीट्यूड होता है, तो ये वाला एंगल निकल आएगा थीटा। यस सर निकल आया सर। या 60 डिग्री cos थीटा लगा देंगे। cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूस। सर 30 डिग्री आएगा। रूट थ्री बाई टू तो cos थीटा रूट थ्री बाई टू हो तो थीटा क्या हो जाएगी? 30 डिग्री ना। यस सर। लेकिन phi क्या है? व्हाट इज phi? सर वर्टिकल से है। हाँ phi के लिए ना हमेशा इस लाइन से देखते हैं। फाई के लिए हमेशा यहाँ से चलेंगे और उस लाइन तक जाएंगे। ये है हमारा फाई। जी सर। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक थ्री पाई बाई टू होता है। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पाई बाई टू, यहाँ पे पाई, यहाँ पे थ्री पाई बाई टू। तो थ्री पाई बाई टू में कितना एंगल एड हो गया? 30 डिग्री का मतलब पाई बाई सिक्स। तो फाई की वैल्यू हो गई थ्री पाई बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स। सही है क्या? यस सर। जैसे ही फेजर लिखा जाए इक्वेशन लिखना तो आसान हो जाता है। यस सर। ए साइन ओमेगा टू प्लस फाई अगर लिख पाते हैं ना तो इक्वेशन लिखना आसान हो जाता है। लिख लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइ। ये इक्वेशन है। a साइन ओमेगा t प्लस फाइ की वैल्यू क्या आती है? थ्री पाई बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स।
अच्छा इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो तुम लोग क्या? यस सर, हो सकता है ऑप्शन कॉस में हो सकता है ये ऑप्शन ही ना हो, कॉस में जरा कन्वर्ट करके बताओ। X 9 pi plus I 10 pi माइनस कॉस पाई बाय सिक्स। ओमेगा टी कहाँ गया? ओमेगा टी माइनस इस टाइम ओमेगा टी माइनस माइनस तो होगा ही नहीं। अच्छा, देखो इधर हाँ, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा। हाँ सर, माइनस पे आएगा। हाँ सर, हाँ ये हो जाएगा सर, कॉस पाई बाई सिक्स प्लस ओमेगा माइनस पे रहेगा आगे सर। यहाँ पे जरा समझना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। अब ये जरा देखना, ये क्या है ना, साइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस अल्फा, इस टाइप का इक्वेशन है क्या ये अल्फा? हाँ, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे ना साइन कॉस हो जाता है, सीधा कॉस अल्फा, इसका आंसर हो गया कॉस अल्फा। जी सर। हाँ सर, आ गया समझ में? जी सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? लेकिन बाद में सर नेगेटिव आ जाएगा, ए साइन सर नेगेटिव नहीं आएगा सर, भाई। हाँ सर, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना सर? सर 3 पाई बाय 2 सर, पाई प्लस पाई बाय 2 सर, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ में आ जाएगा तो नेगेटिव। हाँ सर, फोर्थ में आ जाएगा सर, फोर्थ में आ जाएगा। यस सर, 3 पाई बाय 2 प्लस अल्फा। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। यस सर, पाई से ज्यादा है ना, पाई से ज्यादा है। पाई से ज्यादा है तो नेगेटिव साइन एक आएगा सर। कॉस सर, कॉस सर मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो होता है सर? नहीं, कॉस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ सर, तो फोर्थ में ही तो आ रहा है सर, सही तो सही है ना सर? नहीं पर लेकिन साइन है ना बार पहले समझते हैं, पहले दिखा जाता है या बाद में? देखो यहाँ पे क्या है ना, शायद बाद में। हाँ सर, इसको ऐसे लिख लो ना, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लो, साइन ऐसे लिख लो पाई प्लस करके, ऐसे पाई प्लस पाई बाय टू प्लस पाई बाय सिक्स प्लस ओमेगा टी, ऐसे लिख लो। अब बताओ साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा होगा क्या? माइनस साइन थीटा। जी सर, माइनस साइन थीटा ऐसा हो जाएगा। जी सर, अब बताना पाई बाय टू प्लस थीटा सर, तो कॉस थीटा हो जाएगा। जी सर, बस यही हो गया और क्या, माइनस एक आएगा, एक माइनस आएगा, क्योंकि जो थ्री पाई बाय टू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। मैथ में देखे होगे ना थ्री पाई बाय टू कहाँ है? यस सर, मैथमेटिक्स में एंगल ऐसे देखते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, तो यहाँ तो जीरो होता है, यहाँ पे पाई बाय टू, यहाँ पे पाई, सॉरी यहाँ से देखते हैं ना मैथ में, मैथ में यहाँ से एंगल देखते हैं। हाँ सर, जीरो पाई बाय टू, पाई थ्री पाई बाय टू, तो थ्री पाई बाय टू प्लस तो यहाँ पे आएगा। यस हाँ सर, तो फोर्थ में चला जाएगा। हाँ तो थ्री पाई बाय काउंट करते हैं सर, सर फर्स्ट को छोड़ के काउंट करते हैं सर, सेकंड क्वाड्रेंट से 1 फिर उसके बाद 2 फिर 3 ऐसे सर, फिर 1 पे 4 आ जाता है सर। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखा था ये 3 पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 ये लिखा था। हाँ सर, तो फोर्थ में आ जाएगा। हमें पता है कि 3 पाई बाय 2 प्लस आएगा फोर्थ में। हाँ सर, तो फोर्थ में तो कॉस केवल पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ तो साइन है ना। हाँ सर, तो साइन है इसलिए नेगेटिव आएगा। साइन पहले देखते हैं बाद में क्या? बाद में सर यही मतलब
जो मतलब मतलब जैसे साइन का कॉस में जो हो जाता है सर, तो मतलब जैसे ही कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है सर, हमारा थ्री में यानी कि फोर्थ में चला जाएगा वो, मतलब ऑड नंबर है ना सर, तो चेंज हो जाएगा साइन का कॉस में। देखो ऑड नंबर है तो साइन का कॉस हो गया, हाँ सर, ऑड पाई बाई टू है तो साइन का कॉस हो गया, जी सर, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए नेगेटिव साइन आया है। हाँ, वो साइन एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए नेगेटिव। साइन वाला जो है ना, साइन किस में है? जी सर फोर्थ में आ रहा है सर, फोर्थ में तो नहीं सर, मैं ये बोल रहा था पॉजिटिव सर, हाँ, सर मतलब सर मैं ये पूछ रहा था सर कि साइन हाँ, का लेते हैं सर मतलब या कॉस का लेते हैं मतलब साइन फिर उसके नहीं कॉस का हाँ। देखो फोर्थ में ना कॉस केवल पॉजिटिव होता है, कॉस और से हाँ सर, और सब नेगेटिव होगा, तो यहाँ साइन है ना, हाँ सर साइन, तो साइन वाले का लेंगे सर है ना, हाँ साइन का नेगेटिव के साथ आएगा, अगर यहाँ पे कॉस आता तो पॉजिटिव आता। जी सर जी सर, चलो जो भी है थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होगे कि कैसे लिखना है। हाँ सर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ जिसको कि आपको सॉल्व करना है पेजर से, ठीक है? जी सर, हाँ सर, पेजर से सॉल्व करना है, ये सीट मैं दे भी दूंगा ग्रुप में, इसमें सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये मैं ग्रुप पे सेंड भी कर दूंगा। जी सर, चलो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है, फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किया गया है, आपको इक्वेशन लिखना है। क्वेश्चन दिख रहा है क्या, सेवन नंबर? यस सर, क्वेश्चन नंबर सेवन में इक्वेशन लिखना है जबकि फेजर भी ड्रॉ किया गया है, फेजर आपके सुविधा के लिए ड्रॉ कर दिया है, आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ एस एच एम प्लस सर, ए साइन ओमेगा टी सर 30 आ जाएगा सर, हाँ सर क्या आ जाएगा सर, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स, हाँ ये आ गया सबको समझ में? जी सर, ये आ गया होगा सबको समझ में, क्योंकि आपको पता है ये वाला एंगल निकाल लेंगे सबसे पहले, तो कॉस थीटा हो जाएगा ए बाय टू बाय ए यानी वन बाय टू, तो थीटा हो गया 60, लेकिन हमें एंगल तो वर्टिकल से देखते हैं ना, तो ये 60 है तो ये हो गया 30, इसका मतलब हो गया फाइ 30, और फाइ निकलते ही इक्वेशन हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 30, या 30 को पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ लिखने में? नहीं सर। चलो सर अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है सर, डिस्कनेक्ट होने वाला है, 7 मिनट बचा है, तब तक 7 मिनट का उपयोग कर लो। जी सर, चलो आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, आंसर भी लिखा है, आंसर को मैं काट दे रहा हूँ, खुद से बनाओ। हाँ सर, फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करा गया है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इक्वेशन लिखो। क्वेश्चन पढ़ के खुद का फेजर बनाओ और फिर मैच करेंगे गिवन से। ठीक ठाक हो गया, ठीक ठाक, रूट थ्री बाई टू अपॉन ए, क्या कर रहे हो बस? पाई प्लस पाई बाई थ्री, तो थ्री प्लस फोर पाई बाई थ्री सर, इसमें फाइव हो जाएगा, फोर पाई बाई थ्री,
किसका आंसर है? आकाश का। यस सर। और सभी लोग ट्राई करो, देखो क्या आता है। ऑप्शन दे रखे हैं क्या सर? हाँ सर, ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिखा दूंगा सर। एक सर बताओ क्या आता है। आ जाएगी सर, 4π/3। पाई की वैल्यू बताओ, पाई की वैल्यू सर 4π/3। अच्छा, विनय का क्या आंसर है सर? 5 = 2 नहीं है सर, रुको 1 मिनट। ट्राई करो, ट्राई करो, फिर आंसर देखते हैं क्या आया इसका। हाँ सर। सर ये सर जी बोलो। सर ये वाला पॉइंट निकालना है ना, SHM फाई निकालो ना, फाई निकालो और इक्वेशन लिखेंगे। सर ये वाला पॉइंट ही तो निकालना है सर। नहीं, बस इक्वेशन लिखो ना, और सारा चीज आसान है। सबसे कठिन काम है इक्वेशन ही लिखना। हो गया सबका? अब आंसर देखते हैं क्या आता है। देख लो आंसर। यस सर। ये आंसर है? हाँ सर। देखो यहाँ पे सर, रुकिए एक सेकंड, एक सेकंड। 4π/3 = 5। हाँ सर। जब फाइव निकल गया तो इक्वेशन भी सही है क्या? हाँ सर। इक्वेशन में सर कुछ है ही नहीं सर, फाइव निकालना है। हाँ, फाइव निकालना है। फाइव निकालना है सर। तुम्हें आ गया तो इसलिए आसान है, अदरवाइज ये कठिन है। जी सर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 पहले समझना। क्वेश्चन नंबर 9 को पहले पढ़ो केवल। क्वेश्चन नंबर 9 को दो बार तीन बार पढ़ो और समझो केवल। ये हार्ड प्रॉब्लम है, ये हार्ड प्रॉब्लम है। फेजर से बनाएंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा। सर ये एक्सट्रीम पोजीशन का सर क्या मतलब है इसमें? एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ होता है भाई? कल ही तो बताया था, लेफ्ट एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे पी हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। हाँ, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन नहीं बताया था? यस सर, बताया। ऐसे बताया था कि अगर SHM हो तो ये मीन पोजीशन होगा, ये होगा राइट एक्सट्रीम पोजीशन, और ये होगा लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। पैरेलल। अच्छा सर, ठीक है। केवल क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। टाइम एंड एम्पलीट्यूड। और अगर क्वेश्चन में समझ जा रहे हो तो फेजर पे दिखाओ। हाँ सर, एक सेकंड। यहाँ रहा है और ये दूर जा रहा है। कुछ ऐसे। जी सर। 5/2+। हाँ सर, समझ गया। बीच में तो ये हो जाएगा 5/2 cos θ। तो कितना हो गया ये 5/3। सर
सर पहले का तो सर फाइव आ रहा है सर, फाइव पाई बाई सिक्स। फाइव निकाल के करोगे क्या? पहले ये तो समझो कि फाइव निकालेंगे क्यों। हाँ सर, यस सर, जी सर। टाइम निकालना है क्रॉस, दोनों एक दूसरे को क्रॉस डबल क्रॉस। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को पहले। सर इसमें क्रॉस कैसे हो जाएगा? डायमेट्री फेस पे करेंगे तो सर सर्कल पे, तो डायमेट्रिकली होगा सर अपोजिट में। पहले जरा समझना क्वेश्चन। अच्छा लेस देन वन मिनट बचा है, अब तो कटने ही वाला है लगता है। देखो क्वेश्चन ये है।